दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि YouTube का सर्च हिस्ट्री और वॉच हिस्ट्री को कैसे डिलीट किया जाता है। जैसे कि यहाँ से अगर हम YouTube एप्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पे इस सर्च बॉक्स पे हम क्लिक करते हैं तो जो भी हम सर्च करते हैं उसका एक हिस्ट्री बन जाता है। तो यहाँ पे इस सर्च हिस्ट्री को कैसे डिलीट करेंगे एक ही क्लिक में, और इसके बाद यूट्यूब पे हम जो भी वीडियो देखते हैं तो उसका भी एक हिस्ट्री बनते जाता है। जैसे इस आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ पे हम व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं तो आप जो भी यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं यहाँ पे 36 मंथ का यहाँ पे डाटा रहता है। तो यहाँ से आप इन सभी वॉच किए हुए वीडियो की हिस्ट्री को कैसे डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप अपने फोन में यूट्यूब एप्स को ओपन कीजिएगा और यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे वॉच हिस्ट्री को कैसे डिलीट किया जाता है। तो फ्रेंड्स वॉच हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे सबसे नीचे में। अगर आपका यूट्यूब एप्स अपडेटेड नहीं है तो सबसे पहले अपडेट कर लीजिएगा, देन यहाँ पे सेम टू सेम सेटिंग इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे अब आपको क्लिक करना होगा व्यू ऑल पे, और व्यू ऑल पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे ये जो 3 डॉट दिख रहा है यहाँ पे इस डॉट पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद क्लियर ऑल वॉच हिस्ट्री पे क्लिक कीजिएगा और इसके बाद आप यहां पे क्लिक कर दीजिएगा क्लियर वॉच हिस्ट्री। तो यहां से फ्रेंड्स अब आप देखेंगे कि यहां पे अब यहां पे अगर क्लिक करते हैं तो यहां पे कोई भी वॉच हिस्ट्री नहीं है, आपकी सारी वॉच हिस्ट्री यहां से डिलीट हो जाती है। अब फ्रेंड्स यहां पे ये जो सर्च हिस्ट्री है इस सर्च हिस्ट्री को कैसे डिलीट कीजिएगा, इसके लिए आप यहां पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे ये जो आपका अकाउंट है स्विच अकाउंट यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे ये आपका ईमेल आईडी है, अगर एक से अधिक ईमेल आईडी से आप अपने फोन में लॉगिन होंगे तो इस तरह से आएगा, और इस ईमेल आईडी से आपका यूट्यूब अकाउंट लॉगिन है तो इसे आप याद कर लीजिए। और इसके बाद अब आप आ जाइएगा बैक, अब यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस सेटिंग्स वाले आइकॉन पे। सेटिंग्स वाले आइकॉन पे क्लिक कर देने के बाद मैनेज ऑल हिस्ट्री पे आप क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे आप जो ईमेल आईडी को अभी अभी देखें उसी ईमेल आईडी पे क्लिक करना होगा। जैसे मैं इस ईमेल आईडी से यूट्यूब में लॉगिन था तो यहाँ पे इस ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप स्क्रोल डाउन कीजिएगा तो आप यूट्यूब पे जो भी सर्च करते हैं वो यहाँ पे सब आ जाता है। आप यहाँ पे 36 मंथ का यहाँ पे डाटा देख सकते हैं। तो इन सभी को डिलीट करने के लिए यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको मिल जाता है डिलीट पे, डिलीट पे आप क्लिक कीजिएगा। और इसके बाद अगर आप आज की हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट टुडे हिस्ट्री पे क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके आप कस्टम डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीट ऑल टाइम पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं डिलीट पे, देन यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ओके, तो यहाँ से अब हमारी सारी सर्च की हुई हिस्ट्री डिलीट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ से अगर हम आते हैं बैक और यहाँ पे अगर हम फिर से क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे अब कोई भी सर्च हिस्ट्री यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सारी सर्च हिस्ट्री यहाँ से डिलीट हो गई है।